नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार एक साइट लेकर आए हैं और यहाँ पर लगभग सभी रेंज के मकान उपलब्ध हैं। और मोस्टली जो हमारे मकान होते हैं वो इसी साइट के होते हैं, तो पहली बार इस साइट से हम नहीं मकान लेकर आए हैं, लेकिन जो नए मकान बनते हैं वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये नए मकान बने हुए हैं, और चलिए मकान के बारे में बताने से पहले इस साइट के बारे में आपको पूरा बता देते हैं कि दूरी क्या है, कहाँ क्या कहाँ पे है। तो दोस्तों, ये आलमबाग अवध चौराहे से जब आप हरदोई वाली रोड पर लगभग 1 किलोमीटर चलते हैं तो बाएं साइड में रेलवे का एरिटीम ऑफिस है, उसी के पीछे ये कॉलोनी है जहाँ पर ये मकान है और ये साइट है। और मेन रोड से जो हरदोई बाईपास है उससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी इन मकानों की। अब आपको इसके आसपास की सुविधाएं हम बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो बाहर रहते हैं वो जो नहीं जानते हैं वो पूछते हैं स्टेशन से दूरी कितनी है, बस स्टॉप से दूरी कितनी है, तो वो सब बता देते हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है, बस स्टॉप आलमबाग लगभग 4 किलोमीटर है, 4 से 5 किलोमीटर होगा। और जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है, श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। और एयरपोर्ट 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब स्कूल कॉलेज की बात कर लीजिए, तो स्कूल कॉलेज यहाँ से आपको जो है सारे ही स्कूल कॉलेज, मेडिकल की सुविधा, मार्केट, मेन मार्केट, बाकी छोटे मोटे ज़रूरत की चीज़ें वो आपको सब कॉलोनी के अंदर ही मिल जाएंगी। लेकिन जो अगर मेन मार्केट की बात की जाए तो वो सब आपको 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर मिल जाता है। और अब कॉलोनी के अंदर आने की जो रोड है वो 25 फुट की है, और कॉलोनी के जो मेन कॉलोनी के अंदर की जो रोडें हैं वो 20 फुट की रोड है। मकान के सामने की रोड जो है वो 20 फुट। अब आते हैं मकान। ये मकान जो है नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं सारे ही। इन पे आपको जो बड़े मकान हैं, जो 30 लाख के ऊपर के मकान हैं, उन पे 80% फाइनेंस की सुविधा मिल जाती है, और जो 30 लाख के नीचे के मकान हैं उन पे 90% तक फाइनेंस की सुविधा मिल जाती है। आपकी एलिजिबिलिटी अनिवार्य होगी कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इन मकानों पे ये सुविधा मिलती है। और इस पे LIC, PNB, लगभग सभी बैंक फाइनेंस यहाँ पे कर देते हैं, SBI को छोड़कर, क्योंकि ये सब जो है LDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पे ही लोन करते हैं। और अगर LDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी चाहते हैं तो हमने इस मकान के पहले ही एक वीडियो डाला है जो कि विला है, एयरपोर्ट के पास है, उनका हम आपको लिंक दे देंगे आई बटन में, आप ऊपर देखें उसका आई बटन में लिंक दे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो मकान आपको दिख जाएंगे। वो सब उनकी रेंज 60 लाख के आसपास है, बिग फर्नीचर है। तो फिर से आपको साइट के बारे में बताते हैं, और यहाँ पर और जो इस मकान के अलावा ये 950 वालों के 950 और 1000 के मकान के अलावा जो अभी मकान बन रहे हैं यहाँ पर, हाँ साइट पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे 6 मकान बने हुए हैं 950 स्क्वायर फुट के, और जो है 1000 के 2 मकान बने हुए हैं। इसके सामने 850 स्क्वायर फुट के मकान बन रहे हैं 2 मकान, और जो है 4 मकान और यहीं पर 1000 के बनने जा रहे हैं। इससे लगभग 300 मीटर पहले ही 700 स्क्वायर फिट के मकान, 800 स्क्वायर फिट के मकान और 500 स्क्वायर फिट का मकान बनने जा रहा है। तो इन सब मकान की निर्माण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, अगर आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। बुकिंग में आपको कुछ फ़ायदा होगा और आपको जो बने हुए मकान हैं और उनसे ज़्यादा आपको इसमें छूट मिलेगी। आप और जो प्लाट लेना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं, कुछ साइटें हैं यहाँ पे तो उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। बाकी जो है
सारी जानकारी हमने आपको दे दी। मकान से संबंधित सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे हम वीडियो के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। और जो लोग प्राइस और कॉन्टैक्ट नंबर शुरुआत में ही जानना चाह रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है, प्राइस और मकान का साइज और जो है अन्य मकानों के लिंक भी दिए गए हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। दोस्तों, ये आपके मकान का नाइट व्यू है, ये देखिए बहुत ही शानदार। ये 6 मकान बने हुए हैं, 2 इसके आगे और शुरू हो गया है काम। ये मिट्टी उट्टी आप देख रहे हैं, ये टैंकर खड़ा, ये न्यू भर चुकी है। ये 850 square feet के 2 मकान और बन रहे हैं और 6 मकान इसके पीछे वाली गली में 1,000 square feet के बन रहे हैं, जिनमें 2 बनकर तैयार हैं। और ये आपका 950 square feet का मकान है। अब आइए आपको इसकी रोड के बारे में बता देते हैं। ये 20 फीट की डामल रोड है, आपको इसका डे व्यू करा दिया जाए। ये इसका डे व्यू है, चलिए अब मकान के अंदर चलते हैं। ये आपका 19 फीट का पोर्च है, 19 by 9.5। ये आपकी पोर्च की फॉर सेलिंग, हल्का बादामी कलर का प्रयोग किया गया है इसमें पेंटिंग में, दीवारों में। डबल डोर आपको मिल रहे हैं, एक मॉस्किटो जाली वाला, दूसरा प्लाईवुड। 2 एंट्रियां आपको मिलती हैं, एक सीधा ड्राइंग रूम में, दूसरा सीधा डाइनिंग हॉल में। स्टील की रेलिंग, जीने पे मार्बल लगा हुआ है। आइए अब ड्राइंग रूम आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर है, देख रहे हैं आप, त्योहारों पर आपको इसका दृश्य बहुत ही मनभावन लगेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे जब ये पूरी लाइटें बंद हो जाएंगी, वाइट लाइटें, उसके बाद में ये कैसा दिखेगा। ये 14 by 12 का है ड्राइंग रूम आपका। ये देखिए जब लाइटें बंद होंगी तो इसका दृश्य ये आएगा। अभी हल्की लाइटें बंद हैं, पेंटिंग का कार्य चालू है, इसके पेंट के डब्बे रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि त्योहारों पर आपको दीपावली के पहले पहले ये सारे मकान दे दिए जाएं,
इसीलिए कार्य बहुत तेजी से चालू है। ये अंदर का दृश्य, काफी स्पेसियस बना है ये मकान। देखिए बहुत ही सुंदर वॉश बेसिन, मिरर हम लगा के आपको दे रहे हैं, और ये फिटिंग मिक्सचर टैब लगा दिया हमने। यहाँ पे आपको हम इंडियन वॉशरूम दे रहे हैं, ये शावर, ये फिटिंग। देखिए एक ही टैब से आपका सारा काम हो जाएगा, गीजर का भी और डायरेक्ट पॉइंट टंकी का। यहाँ पे भी हम आपको एक बेसिन दे रहे हैं। वॉशरूम में भी लाइट नहीं लगी है, उसी वजह से आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। ये आपका डाइनिंग एरिया, देखिए बहुत ही सुंदर लाइटें लगी हैं। दरवाजों में भी हम आपको हैंडल लॉक दे रहे हैं। ये आपका मॉडलर किचन, काफ़ी लंबा है। अभी इस पे पॉलीथीन लगी हुई है, जब हटाई जाएगी तो इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि पेंट के छींटे वेटे ना पड़ जाएं इसलिए। और ये जहाँ पे आपको प्लग दिखाई दे रहे हैं सॉकेट, ये चिमनी के लिए बनाया गया है। ये आपके ब्रैकेट हैं, और चिमनी में नहीं भी लगाते हैं आप तो खिड़की सीधा पार्किंग एरिया में खुलेगी, यहाँ से भी आपकी गैस निकल जाएगी। एक झाश लगा सकते हैं आप। यहाँ पे वैसे चिमनी के लिए स्पेस दे दिया गया है। ये आरओ का है, सॉकेट भी लगा दिया गया है। ये हमारे मुनीम हैं जो आपको खोल खोल के दिखा रहे हैं। ये आपका पहला बेडरूम, ये इससे अटैच वॉशरूम, वन पीस कमोड, और इसमें भी आपको बेसिन मिल जाता है, वॉश बेसिन। ये बहुत ही शानदार टाइल्सें लगी हैं इसके अंदर, बहुत ही ग्रेसफुल शाइनिंग युक्त, लेकिन अब क्या किया जाए, अंधेरे में दिख नहीं रही है। ये थोड़ा बहुत हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये इसका नाइट, जब आप सारी लाइटें बंद कर देंगे सोने के लिए
तो ये व्यू आएगा। नीली लाइटों में नहाए हुए ये रूम बहुत ही शानदार फॉर सेलिंग की गई है और वैसे ही लाइटों को भी लगाया गया है। ये आपका OTS है और ये आपका OTS से ही दोनों बेडरूम जो OTS में ही खुलते हैं। अब हम दूसरे बेडरूम में आपको ले चल रहे हैं। इसमें हम आपको एक वार्डरूम भी दे रहे हैं और देखिए फ्लोर टू रूफ फर्श से छत तक का काफ़ी लंबा वार्डरूम है। आपका पूरा सामान इसमें आ जाएगा और देखिए बहुत ही सुंदर टाइल्स लगाई गई है। और ये आपका लाइटों के बंद करने के बाद का व्यू है नाइट बल्ब के सारे। ये यहाँ पर आपको ये AC के लिए पाइप लगाई गई है कि आपका AC का पानी जो है ये निकलता है वो सीधा। और ये देखिए MCB लगा दिया, साकेट लगा दिया गया है, सीधा निकल जाए कहीं इधर उधर ना छुए। इसका सीधा ड्रेनेज में इसका कनेक्शन कर दिया गया है और इसका केबल वायर लगा दिया गया है। ये बेडरूम से डाइनिंग और ड्राइंग एरिया का दृश्य और ये आपके बेडरूम का। बेडरूम काफ़ी लंबे लंबे बनाए गए हैं, लंबे चौड़े दोनों हैं, दो ही बेडरूम दिया गया है आपको इतने बड़े एरिया में। ये 2 BHK मकान है आपका। और दोस्तों प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल रखा गया है, मात्र 42 लाख रुपए। इस पर भी आपको त्योहारों की छूट का फ़ायदा मिलेगा, इस पर हम आपको निगोशिएट करने का पूरा मौका देंगे यदि आप सामने आकर जब लेने के लिए बैठेंगे तब। जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी जानकारी दी होगी, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। आइए हम आपको थोड़ा सा छत का व्यू दिखा देते हैं। यहाँ पर अभी इस समय 4 मकान अवेलेबल हैं, 3 एक पहले बना था वो भी बिक चुका है 750 स्क्वायर फिट का और ये 950 वाले में से 2 बिक चुके हैं। और इसके सामने जो 1000 स्क्वायर फिट का है उसमें से भी 1 बिक चुका है, वो सामने जो दिख रहे हैं वो 1000 के मकान हैं। ये पीछे का आपको दृश्य
पूरे कॉलोनी का। जो लाइटें दिख रही हैं ये सब कॉलोनी की लाइटें हैं। अवध चौराहे से मात्र ये 2 किलोमीटर की दूरी है मकान की। देखिए गाड़ी जा रही है रोड पे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही एक अच्छे से नए वीडियो में।